वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. टुडे इन इंग्लिश वी आर गोइंग टू रीड आर चैप्टर 10, दैट इज़ द रॉकेट वीमेन ऑफ इंडिया. राइट नाउ दिस द रॉकेट वीमेन ऑफ इंडिया. यू आर वेरी वेल अवेयर अबाउट रॉकेट. वट इज़ आर रॉकेट? रॉकेट क्या होती है? एक सिलेंड्रिकल शेप का इक्विपमेंट होता है, सी लाइक दिस हेयर इन फोटो. ठीक है, जो हम स्पेस में भेजते हैं या विद द हेल्प ऑफ एनी इग्निशन फायर और ऐसी किसी भी चीज़ की हेल्प से वी सेंड इट इन स्पेस. तो रॉकेट ओके विमेन वी ऑल नो लेडीज ऑफ इंडिया. नाउ रॉकेट विमेन ऑफ इंडिया दिस इज अ सॉर्बिक्यू और यू कैन से निक नेम ओके गिवन टू द विमेन साइंटिस्ट जो कि किससे एसोसिएटेड विद मंगलयान. ओके मंगलयान जो हमने इसरो ने लॉन्च किया था, मंगलयान जो भेजा था हमारा मार्स ऑर्बिटर मिशन, उस मिशन में जितनी विमेन साइंटिस्ट थी, बेसिकली मेनली जिन्होंने लीड किया था थ्री थी, उन तीनों को द रॉकेट विमेन ऑफ इंडिया कहा जाता था. दिस इज़ अ सॉर्बिक्यू गिवन टू देम आफ्टर द सक्सेस ऑफ मंगलयान और दिस इज़ अ निकनेम गिवन टू देम. ओके सो लेट्स रीड अबाउट दिस. Women scientists played a major role in India's first space mission to another planet. India का पहला space mission था कहाँ? To another planet, दूसरे planet पे. Mars एक planet है, we all know, मंगल जिसको बोलते हैं हिंदी में, Mars planet पे भेजा गया था ये, इसीलिए इसे मंगलयान भी कहते हैं. इस mission का नाम था Mars Orbiter Mission. ठीक है, the Indian Space Research Organization ISRO, short form is ISRO, हम सब को पता है इसरो क्या है, हमारी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की. राइट डॉक्टर विक्रम सारा भाई सबको पता है, इंडिया में उन्हीं की वजह से स्पेस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुआ था. जैसे अमेरिका में आपने सुन रखा होगा नासा है फॉर अमेरिका, सेम वे इंडिया इसरो इज़ फॉर इंडिया. ठीक है, तो जितने भी स्पेस रिलेटेड इन्वेंशंस हैं या जो भी रिसर्च हैं जो साइंटिस्ट करते हैं, कुछ लॉन्च करना होता है, कोई भी सैटेलाइट एनी रॉकेट, वो सब क्या है, हमारे इसरो के थ्रू होते हैं. ठीक है, तो इसरो सेंट अ सैटेलाइट द साइज ऑफ अ स्मॉल कार टू मार्स. तो एक सैटेलाइट भेजा था इंडिया में और जिसका साइज एक छोटी कार जितना था, दैट वाज अ सैटेलाइट. द मार्स ऑर्बिटर मिशन जिसको मोम कहा गया, मार्स ऑर्बिटर मिशन मूवी भी बनी है इस पर अगर आप लोग को याद हो तो, ऑल्सो कॉल्ड मंगलयान. ठीक है, इसका निकनेम नाम मंगलयान था, मंगलयान भेजा गया, जैसे बाद में चंद्रयान भी भेजा गया. ऑल्दो वो कुछ हुआ कि वो ऑर्बिट में जाकर फिट नहीं बैठा, उससे पहले ही ब्रेक हो गया, बट मंगलयान जो है सक्सेसफुल प्रोजेक्ट था इसरो का. ठीक है, इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ इसरो और ये इंडिया के बड़े अचीवमेंट, इसरो के बड़े अचीवमेंट्स में एक है मंगलयान. सो मंगलयान में, मंगलयान प्रोजेक्ट में, ये जो मोम का जो प्रोजेक्ट है जो हमने मार्स पे सैटेलाइट भेजा था, इनमें कुछ विमेन साइंटिस्ट थी जिन्होंने लीड रोल प्ले किया था, उन्हें बाद में द रॉकेट वीमेन ऑफ इंडिया कहा गया. ठीक है, लेट्स सी हाउ स्टोरी कोरिलेट्स विद दैम. दीक्षा एशिया एंड जोसफीन ऑफ क्लास 4 और पार्टिसिपेटिंग इन द एनुअल फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन एट स्कूल. द थीम वॉज विमेन इन साइंस. दे वर ड्रेस्ड अप एज मोमिता दत्ता, नंदिनी हरिनाथ एंड रितु करिधाल, द रॉकेट वीमेन ऑफ इंडिया who played a major role in the Mars orbiter mission. So these three are the ladies, Momita Datta, Nandini Harinath and Ritu Karidhar. These three are the women who have played a vital role in the success of Mangalyaan and later they are known as Rocket Women of India. Now story is of a school where an annual fancy dress competition is going to held. And fancy dress means where you know wear unusual dresses to look like someone. ठीक है, फैंसी ड्रेस में आप जिसका भी रोल प्ले कर रहे हो उसके जैसा कॉस्ट्यूम वेयर करते हो और उनके लिए डायलॉग बोलते हो या इनएक्ट करते हो कुछ भी पे. तो एनुअल फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन था स्कूल में और दीक्षा आयशा और जोसफीन जो क्लास 4 की स्टूडेंट थी उसमें पार्टिसिपेट करी थी और उन्होंने किसकी तरह ड्रेसअप किया गया था, दीज थ्री लेडीज एंड दीज वर द रॉकेट वीमेन ऑफ इंडिया. द थ्री फ्रेंड्स वर द लास्ट पार्टिसिपेंट्स. लास्ट पार्टिसिपेंट्स थी ये, मतलब बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स पहले कर चुके थे अपनी परफॉर्मेंस. दे वॉकड ऑन टू द स्टेज होल्डिंग द इंडियन फ्लैग और उन्होंने स्टेज में एंट्री ली, इंडियन फ्लैग को होल्ड करते हुए किया हुआ था उन्होंने अपने हाथ में. दीक्षा वेव्ड टू द ऑडियंस. वेव्ड मीन्स मूव्ड. ठीक है, जब हम
हैंड ऐसे शेक, ऐसे दो, जब भी हम स्टेज पर होते हैं सामने में कोई दिखता है ऐसे हैंड वेव करते हैं ना, दिस इज मूव, हैंड वेव किया ऑडियंस की उन्हें हाई करने के लिए, ग्रीट करने के लिए. शी वॉज नर्वस एट फर्स्ट, नर्वस मीन्स एंक्शियस, ओके, और वरिड. जब स्टेज फियर सबको होता है, वो फर्स्ट टाइम एकदम स्टार्टिंग में थी तो थोड़ी सी नर्वस हो रही थी. देन शी बिगेन हर स्पीच, आई एम मोमिता दत्ता. तो दीक्षा जो है शी वॉज प्लेइंग द रोल ऑफ मोमिता दत्ता. उसने अपने को इंट्रोड्यूस किया, आई एम मोमिता दत्ता, आई वर्क फॉर इसरो अहमदाबाद, मैं इसरो अहमदाबाद के लिए काम करती हूँ. एंड आई वॉज अ चाइल्ड, आई यूज टू ड्रीम अबाउट स्पेस, द यूनिवर्स, द स्टार्स एंड एस्पेशली एलियंस. एलियंस क्या होते हैं? जो हमारे प्लानट के लिए, जो दोज हु बिलोंग्स टू सम अनदर प्लानट. यूनिवर्स मीन्स द इटर्नल एवरीथिंग, एवरीथिंग इंक्लूडिंग स्पेस, दैट इज पार्ट ऑफ यूनिवर्स. ठीक है, स्टार्स वी ऑल नो, ओके, इन स्पेस वी हैव स्टार्स एंड प्लैनेट्स एज वेल. सो डू यू नो हाउ आई बिकेम इंटरेस्टेड इन साइंस? आई सो मैग्निफिसेंट कलर्स कमिंग आउट ऑफ अ प्रिज्म इन एन एक्सपेरिमेंट इन स्कूल. तो अब वो अपने बारे में बता रही कि जब मैं बच्ची थी तो मैं स्पेस, यूनिवर्स, स्टार्स और एलियंस के बारे में सपने लेती थी. और तुम्हें पता है मेरे को इंटरेस्ट कैसे आया साइंस में? एक दिन मैंने क्या है, एक स्कूल में एक्सपेरिमेंट था जिसमें से प्रिज्म, प्रिज्म क्या होता है, एक पीस ऑफ ग्लास होता है, एक पीस ऑफ ग्लास विच रिफ्लेक्ट 7 कलर्स. जब भी सन की लाइट उस पर पड़ती है, लाइट उस पर होती है तो वो रिफ्लेक्ट करता है 7 कलर. ठीक है, ग्लास का पीस होता है, बेसिकली ट्रायंगुलर शेप का होता है, अभी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में आने लग गए. तो मैग्निफिकेंस मीन वेरी ब्यूटीफुल, वो कलर आ रहे थे वो बहुत फैसिनेटिंग थे, उसको बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे, वेरी अट्रैक्टिव थे वो कलर्स. जो उनको देखकर उसको क्या है, साइंस में इंटरेस्ट हुआ. आई वॉज फैसिनेटेड बाय इट, मीन्स कैप्टिवेटेड बाय इट और इंटरेस्टेड इन, मेरा इंटरेस्ट हो गया इंटरेस्टेड, ओके, कैप्टिवेटेड और मतलब मैं उससे अट्रैक्ट हुई, अट्रैक्टेड बाय इट. मच लेटर इन 2004 आई रीड इन अ न्यूज़पेपर, मच लेटर इन 2004 आई रेड इन, सी दिस इज सेकेंड फॉर्म, वी आर टॉकिंग अबाउट पास, सेम स्पेलिंग फॉर फर्स्ट और सेकेंड फॉर्म. इन फर्स्ट फॉर्म वी प्रनाउंस इट एज रीड, बट इन सेकेंड फॉर्म दिस वर्ब इज प्रनाउंसड एज रेड. आई रेड इन आर न्यूज़ पेपर दैट इंडिया वॉज प्रिपेयरिंग फॉर इट्स फर्स्ट मिशन टू द मून. फ्रॉम दैट मोमेंट आई वॉन्टेड टू जॉइन इसरो. 1.5 years later, I joined ISRO. I was involved in many other projects before I went on to become the project manager of Moon. अब उसने क्या, 2004 में उसने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि जो है इंडिया मून पे अपने पहले मिशन की प्रिपरेशन कर रहा है, और उसने उस टाइम डिसाइड किया कि मुझे तो ISRO ज्वाइन करना है. और एक 1.5 years मीन्स 1.5 साल बाद उसने ISRO ज्वाइन किया. वो पहले दूसरे प्रोजेक्ट्स पे काम किया उसने, और मोम पर काम करने से पहले, मोम क्या है, मंगलयान जो है, मंगलयान मार्स ऑर्बिटर मिशन की प्रोजेक्ट मैनेजर पे की तरह काम करने से पहले उसने दूसरे प्रोजेक्ट्स पे भी काम किया. दीक्षा हैड फॉरगॉटन द लास्ट सेंटेंस ऑफ हर स्पीच, एशिया नोटिस्ड इट. दीक्षा अपने स्पीच की लास्ट लाइन भूल गई थी, लास्ट सेंटेंस, एशिया ने नोटिस किया. शी वॉज ऑल्सो ऑब्जर्विंग द ऑडियंस. वो ऑडियंस जो क्या होते हैं, जो ऑडियो से बना, देखो ऑडियंस, दोज हु आर लिसनिंग टू यू, दो आपको सुन रहे हैं, ठीक है, स्पेक्टेकल्स, स्पेक्टेटर्स जो हैं बैठे हुए, वो आप, वो क्या, वो ऑब्जर्व कर रही थी. व्हेन दीक्षा वाज प्रेजेंटिंग हर पार्ट, जब दीक्षा अपना पार्ट प्रेजेंट कर रही थी तो ऐशा, तीनों ही एक साथ आई थी स्टेज पर, दीक्षा, ऐशा, जोसफिन. ऐशा ने ऑब्जर्व किया ऑडियंस को कि ऑडियंस बहुत ध्यान से सुन रही है, देवर लिसनिंग विद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी ले रही है. नाउ इट वाज ऐशा टर्न, अब ऐशा की टर्न थी. दीक्षा अपनी लाइन भूल गई यहाँ पर, उसने खत फिनिश कर दिया अपना सेंटेंस कि मैंने मोम की प्रोजेक्ट मैनेजर पे एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम किया. नाउ इट्स ईशा की टर्न थी, शी बिगेन हर स्पीच. और उसने देखो कैसे कवर किया, बाय स्माइलिंग एट दीक्षा एंड सिंह, उसने अपनी स्पीच दीक्षा की तरफ स्माइल करते हुए स्टार्ट की और कहा मोमिता दत्ता, उसकी तरफ भी इशारा भी किया. मोमिता दत्ता रिसीव द इसरो टीम ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड फॉर मंगलयान. और मंगलयान के लिए मोमिता दत्ता को इसरो की टीम ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड भी मिला है. शैल वी क्लैप फॉर हर, हमें उसके लिए तालियां बजानी चाहिए. तो सबको उसने एनकरेज किया टू क्लैप फॉर मोमिता दत्ता और द फॉर दीक्षा. द ऑडियंस क्लैप्ड, ऑडियंस ने क्लैप किया. ऐशा टीचर्स एंड पेरेंट्स वर डिलाइटेड दैट शी हैड हेल्प्ड हर फ्रेंड अप. और ऐशा के टीचर्स और पेरेंट्स दे वर डिलाइटेड मींस हैप्पी, वो खुश थे
क्या देख कर कि अरे एट दैट मोमेंट ऑन स्टेज शी हैड हेल्प हर फ्रेंड, ठीक है, उसने अपने फ्रेंड की हेल्प की, ठीक है, उस चीज़ को कवर करके ये मेन फैक्ट बताकर उसको एनकरेज करके। सो डू रीड दिस चैप्टर टिल हेयर, विल कवर दिस चैप्टर रेस्ट ऑफ द चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, ट्राई टू लर्न द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स, ओके, एंड रीड इट थरली एंड केयरफुली। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।